अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक बॉडी गुरु, मैं आपका विकास, आपको मेरे चैनल में फिर स्वागत करता हूँ। तो जो आपके लिए जो मॉक टेस्ट लेके आए हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर टैली ईआरपी मॉक टेस्ट पार्ट वन है। कोपा एंड बैंक एंड अदर भी जितने भी आपके टैली बेस्ड पे एग्जाम होते हैं, टैली पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो ये क्वेश्चन आपके लिए उस एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के आपको मॉक टेस्ट और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है आपको इसी चैनल पर तैयारी आपकी होती रहेगी। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपके लिए ये टैली या ईआरपी के क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपका अदर एक टॉपिक है। कॉमर्स का कोई भी एग्जाम देंगे, बीकॉम वगैरह का, या आप फर्स्ट ईयर इंटर सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये टॉपिक मिलेगा टैली का। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको मिलेंगे कोपा के एग्जाम में, आईटीआई कोपा अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको टैली के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, या बैंक का कोई एग्जाम होगा तो उसमें भी आपको टैली क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है टेली पैकेज इज डेवलप्ड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगर आप टेली सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टेली किसने डेवलप की थी। तो आंसर होगा इसका पहले का बी, आंसर इसी में लिख दिया मैंने, तो पहले का आंसर होगा बी, टेली सोल्यूशन, टेली सोल्यूशन वॉज डेवलप्ड टेली पैकेज, तो पहले का बी। सेकंड नंबर पर चलते हैं, कंपनी री स्टोर ऑप्शन इज अवेलेबल इन, कंपनी जो आपकी है टेली वो आपको री स्टोर ऑप्शन जो है वो अवेलेबल कराती है किस किस बेस पे, तो कंपनी की फीचर बेस पे, कंपनी इंफॉर्मेशन, या कंपनी कॉन्फ़िगरेशन, या नन ऑफ दिस। तो इसमें आंसर बनेगा बी, कंपनी आपको इंफॉर्मेशन के रूप में बैकअप आपको यानी रिस्टोर आपको प्रोवाइड कराती है, तो सेकंड का बी ऑप्शन बनेगा कंपनी इंफॉर्मेशन। थर्ड नंबर पर चलते हैं, इन जनरल दी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम सैलरी फ्रॉम, तो अभी आप ये मंथ चल ही रहा है, आप देख सकते हैं मार्च और अप्रैल का, ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप टेली सीख रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर, किसी भी ईयर का 1 अप्रैल अभी कमिंग आने वाला है, तो वहीं से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो थर्ड का ए ऑप्शन बनेगा, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट अप्रैल ऑफ एनी ईयर, किसी भी साल का पहला अप्रैल। फोर्थ नंबर पर चलते हैं, फोर्थ नंबर इसमें शायद मिस है, तो फाइव नंबर पर चलते हैं, वी कैन मॉडिफाई एन एक्साइटिंग कंपनी फ्रॉम, मॉडिफाई और एक्साइटिंग कंपनी आपको करनी है, तो फिफ्थ का ए ऑप्शन बनेगा, कंपनी इन्फॉर्मेशन और अल्टर आपको करना पड़ेगा, या कंपनी इन्फॉर्मेशन अल्टर कंपनी, या गेटवे ऑफ टेली मॉडिफाई कंपनी, नन ऑफ दिस। तो ए ऑप्शन बनेगा कंपनी इन्फॉर्मेशन अल्टर। सिक्स नंबर पर चलते हैं, टू चेंज करंट डेट फ्रॉम गेटवे ऑफ टेली प्रेस द की, कौन सी बटन आपको प्रेस करनी पड़ेगी अगर आप टेली में डेट चेंज करना चाहते हैं, तो इसका आंसर बनेगा आपका सी, F2 आपको प्रेस करनी पड़ेगी अगर आपको डेट चेंज करनी है टैली में, तो सिक्स का आंसर बनेगा सी, F2। सेवन नंबर, पार्ट अकाउंट कैन बी क्रिएटेड थ्रो, किसके किसके थ्रू आप अकाउंट क्रिएटेड कर सकते हैं, तो सेवन का बी ऑप्शन बनेगा, लेजर क्रिएशन विंडो के थ्रू आप इसको आप चेंज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, सेवन का बी। एट नंबर पर चलते हैं, ए लेजर में गेट डिक्लेरेशन स्पेस फॉर इट्स एलाइज थ्रो, ए लेजर आपको क्रिएट करनी है, डिक्लेरेशन करना है, तो किसके थ्रू करेंगे, किस कीवर्ड के थ्रू, तो एट का ए ऑप्शन बनेगा F12, F12 के थ्रू आप इसमें लेजर क्रिएट कर सकते हैं, एट का ए। नाइन नंबर पर चलते हैं, F12 की इज़ नोन एज, F12 की अगर आप प्रेस करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा, तो F12 का हो जाएगा वह कंपनी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, नाइन्थ का बी। टेन नंबर, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टेली वॉल्ट पासवर्ड, तो सी इसका आंसर बनेगा, इट विल नो शो द कंपनी नेम इन द कंपनी सेलेक्ट लिस्ट, अगर आपने पासवर्ड लगा कर रखा है
तो आपको वो कंपनी की नेम और कंपनी की सेलेक्ट लिस्ट आपको शो होने नहीं देगा, तो 10th का सी ऑप्शन बनेगा। इट विल नो शो द कंपनी नेम इन इन द कंपनी सेलेक्ट लिस्ट। जो आपने सेलेक्ट रखी है उसमें वो कंपनी आपको नेम उसका शो होने नहीं देगा, आपने पासवर्ड उसमें लगा कर रखा हुआ है। 11 नंबर पे चलते हैं। वी कैन शो विल वॉइस डिटेल ऑफ डिबेटर्स एंड क्रिएटर बाई एक्टिवेटिंग, किसको द्वारा होगा? मेंटेन बिल वॉइस डिटेल। 11 का बी ऑप्शन बनेगा। वी कैन शो बिल वॉइस डिटेल और डिबेटर्स एंड क्रिएटर्स क्रेडिटर बाई एक्टिवेटिंग बी, मेंटेन बिल वॉइस डिटेल। अगर आप चाहते हैं कि टैली का आपको ट्यूटोरियल मिले, कि आप टैली अगर सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद टैली के मॉक टेस्ट में। अगर कोई भी स्टूडेंट सीखना चाहता है तो मेरे पास पूरा डेटा अवेलेबल है, मैं आपको कोई टैली सिखा सकता हूँ 7.2 या 9.2 लेटर वर्जन जो भी चल रहा होगा। अगर आपको सीखने का इच्छुक है तो कमेंट आप कर सकते हैं कि हमें सीखना है, तो उसके वीडियो आपको ट्यूटोरियल बना दिया जाएंगे किस प्रकार से अकाउंट और लेजर क्रिएट करने हैं आपको, और नया जो GST ऐड हुआ है वो भी आपको सिखा दिया जाएगा। 12 नंबर पर चलते हैं। दी शॉर्टकट की टू क्विट फ्रॉम टैली इन, शॉर्टकट की क्या है अगर क्विट करना है तो Ctrl+Q दबाना है आपको यहाँ पे। तो आप टैली प्रोग्राम को विंडोज यूज़ की होती है पूरी, आप क्लोज़ करके डेस्कटॉप पे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसी में परेशान रहते हैं। अगर टैली का सॉफ्टवेयर देख लेते हैं तो उसको उनको ये नहीं मालूम होता है इसको काट कैसे करना है, क्योंकि वहाँ माइनस और प्लस का ऑप्शन नहीं रहता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज का, और वहाँ से होता नहीं है। तो 12th का ऑप्शन बनेगा डी, Ctrl+Q। 13 नंबर पर चलते हैं। ए लेजर कैन नॉट बी डिलीटेड इफ़ इट इज़ कैरिंग ओपनिंग बैलेंस, तो ये आपका सही है कि गलत है बताना है, तो ए आपका ऑप्शन बनेगा ट्रू। 13 का ए बनेगा ट्रू। 14 नंबर चलते हैं। हाउ मैनी इनबिल्ट अकाउंट ग्रुप आर इन टैली बाई डिफ़ॉल्ट, हाउ मैनी इनबिल्ट आपको अकाउंट मिलते हैं ग्रुप ऑफ टैली बाई डिफ़ॉल्ट जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उसके बाद बिना बनाए, तो उसका आंसर बनेगा 14 का ए 29। 29 आपको इनबिल्ट अकाउंट ग्रुप इन टैली डिफ़ॉल्ट मिलेंगे आपको, तो 14 का ए ऑप्शन बनेगा 29। 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर है। दिस शॉर्टकट की यूज टू एक्टिवेट कैलकुलेटर इज, ए ऑप्शन बनेगा Ctrl+N, ये आपका टैली के संदर्भ में है। 16 नंबर है। सस्पेंस अकाउंट ग्रुप इज डिफाइंड अंडर, तो 16 का ए बनेगा इनकम। 17 पे चलते हैं। टू एक्टिवेट MRP फीचर फ्रॉम गेटवे टू टैली इनिशियली वी नीड टू प्रेस, कौन सी आपको प्रेस करनी पड़ेगी अगर आपको एक्टिवेट MRP फीचर को करना है, तो F11 आपको प्रेस करनी पड़ेगी। 17 का ए। 18 नंबर। मैन्युफैक्चर जनरल क्रिएट्स बेस्ड ऑन जर्नल, मैन्युफैक्चर जर्नल क्रिएट बेस्ड ऑन जर्नल, नो आपका स्टॉक जर्नल नहीं होगा, परचेस कोटेशन नहीं होगा, आपका आंसर बनेगा 18 का ए जर्नल। टू एक्टिवेट जॉब पोस्टिंग विच ए ऑप्शन रिक्वायर्ड टू बी एक्टिवेटेड, तो 19 का बी ऑप्शन बनेगा, यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब पोस्टिंग, तो 19 का बी। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मल्टीपल गो डाउन्स आर एक्टिवेट फ्रॉम, आंसर बनेगा सी, F11 इज लेस देन F2, तो 20 का सी ऑप्शन बन जाएगा। तो आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको टैली सीखना है तो प्लीज़ कमेंट में आप बोल सकते हैं कि ये टैली ट्यूटोरियल सर आप बना सकते हैं, तो मैं उनको बनाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।